हे गाइस, मैं हूं चिराग वर्माइन। तुम सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के एपिसोड 4 के अंदर। तो गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हमने बहुत ही प्यारा सा वीट एंड पोटैटो फार्म बनाया था, जो कि गाइस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भाई हमें कितने सारे यहां से पोटैटो मिले हैं। एंड जो तुम ये ब्रेड देख रहे हो, वो भी हमें इसी फार्म से मिली है। हालांकि जो ब्रेड का प्रोडक्शन रेट है वो काफी लो है, बट एटलीस्ट कुछ तो हमें वहां से मिल रहा है, वो भी फ्री का पॉकेट में। एंड तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पे यहाँ पे स्प्रूस के लॉक्स आ चुके हैं, मतलब स्प्रूस का पेड़ है। तो मैं आसपास बकैतियां मारने गया था चेक करने के लिए कि मेरे आसपास कौन कौन से बायोम है। एंड गाइस, मैं सच बोलता हूँ, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये सिर्फ और सिर्फ ये बर्फ के पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा बर्फ के पहाड़ हमारे एरिया के आसपास ही हैं, एंड दूर दूर तक हमें कोई और बायोम देखने को नहीं मिलता है। तो भाई गाइस, हमको अगर किसी एडवेंचर में जाना पड़ेगा ना, तो हमें बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलने वाला है कोई नया बायोम। तो मैंने सोचा कि अभी इतने दूर जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इतने अच्छे गियर नहीं है, आर्पर वगैरह नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक बनाया जाए एनिमल फार्म। एनिमल फार्म से मेरा मतलब ये है कि हम लोग एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स को पालने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक एरिया पहले से ही बना के रखा है। ये मैंने एक्चुअली ऑफलाइन खोद के रखा था। एंड जो तुम ब्लॉक देख रहे हो, ये ब्लॉक्स का गैप है 5, 1, 2, 3, 4 की। मैंने यहाँ गलती से 4 का छोड़ दिया है। 1, 2, 3, 4, 5 5 का फ्रंट में रहेगा। एंड अगर तुम इसकी डेप्थ देखोगे तो मैं डेप्थ बताता हूँ कितनी होगी। हमारा जो फार्म है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि जो फेंसेस लगेंगे वो यहाँ से लगेंगे। एंड एक्चुअली ये इस वाले एरिया के अंदर हमारे सारे के सारे एनिमल्स रहने वाले हैं। एंड जो तुम ये स्टोन्स देख रहे हो, यहाँ पे हम स्टोन की जगह कुछ और मटेरियल यूज करेंगे, वो भी मैंने स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इन सभी रूम्स को इक्वली इस रूम की तरह बनाता हूँ, एंड देन तुम लोगों से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, जो हमारा एरिया है वो फाइनली बनके रेडी हो चुका है। तुम देख सकते हो मैं दोनों तरफ ही कमरे बना दिए हैं अपने फार्म्स के लिए। ओके, तो अब स्टार्ट होता है हमारा मेन काम, वो है सामान को गैदर करना। मतलब कि जो भी बिल्ड के लिए और भी सामान यूज होना है, वो सब हमें अब क्राफ्ट करना पड़ेगा। एंड थोड़े बहुत चीज दिमाग में है कि हमें क्या क्या यूज करना है। देखो, हमको फैंस की जरूरत तो पड़ेगी, एंड क्या बोलते हैं, हमको कुछ स्लैब्स की जरूरत पड़ेगी, हमें ट्रैप डोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक काम करते हैं कि 16 ट्रैप डोर काफी रहेंगे आई गेस हमारे लिए। हमारे पास ओक स्लैब्स तो ऑलरेडी है ही, और एक हम काम कर सकते हैं कि इसका पूरा बना लेते हैं। ये कि मेरे पास स्टोरेज की कमी हो रही है, होपफुली इसके अंदर काफी सामान हो। ओके ओके, मेरे पास थोड़े से ना ओक लॉक तो पड़े हुए हैं, तो ओक लॉक से हम लोग क्या बना सकते हैं, और भी स्लैब्स बना सकते हैं। एंड मेरे को कुछ चाहिए होंगे कंपोस्टर और डेकोरेशन पर्पस। तो डेकोरेशन के लिए मतलब ओक किससे बनेंगे, इससे तो बनेंगे ना, एंड कुछ ऐसे करके हमारे बन जाएंगे 9K। ओके, फटाफट चलते हैं नीचे एंड सबसे पहले डेकोरेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को अभी भी ओक लॉक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड यहाँ से जाते हुए एंड में कुछ ऐसा लगेगा। अभी डिज़ाइन मैंने बिल्कुल सोचा नहीं है, जस्ट मैं रैंडम ही बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एंड एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ के प्लेस को तोड़ के यहाँ पे लगा सकते हैं हम कुछ ऐसे, आई गेस चेक कर लेंगे कैसा लगेगा। ओके, ऐसा कुछ हो गया। एंड 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब सेंटर हो गया ये। इसको कुछ ऐसा लगा सकते हैं हम लोग, एंड या ऐसे सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि देख जानवरों में बातें तो होती रहती है। तो इस चक्कर में हम लोगों ने कुछ ऐसा डिज़ाइन करने की सोच रहा हूँ मैं, और इसको लगा दो यहाँ पे। एंड ओक ट्रैपडोर्स, वेयर इज माई ओक ट्रैपडोर, यप देयर इज ओक ट्रैपडोर। और इसको हम एक काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे खोलते के ऐसे लगा सकते हैं, ये लग जाएगा यहाँ पे, ये कुछ लगेगा ऐसे, ये कुछ लगेगा ऐसे। ओके, दोनों तरफ ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि तो ये कुछ ज़्यादा बढ़िया लगेगा, या ऐसा कुछ बुराई लगने दिया है। अनेक हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम इसको लें और इसको ये लें, और आप पहले यहाँ टॉर्च लगा दो, इसको हटा के हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ओक प्लैंक, बिल्कुल ऐसे। या भाई बढ़िया लग रहा है ऐसे ये,
इन तीनों से किसी एक डब्बे में यप ये रही ग्रास का ब्लॉक। मेरे को पता था मेरे पास यहीं के ग्रास का ब्लॉक होना चाहिए और वो मिल गया मेरे को। एक काम करता हूँ, इसको इधर की साइड रख लेता हूँ। बिलीव मी गाइस, जब ये पूरा फार्म रेडी जाएगा ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। जितना हो सकेगा तुम्हारे सामने। ओह शिट, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको इसके ऊपर रख देते हैं, अपने आप ग्रास फैल जाएगी। ऐसे एक चीज देखी जाए तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा। मेरे को इधर की साइड पे ना ट्रैप डोर्स लगाने पड़ेंगे शायद से, जैसे अब यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। ओके, ग्रास फैलना स्टार्ट हो गई है हमारी। फाइनली गाइस, हमारे एनिमल्स के लिए कुछ जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि तुमने ये वाला एरिया तो देख लिया होगा, वहाँ पे पूरी की पूरी ग्रास भर चुकी है एंड ये ग्रास कनेक्ट हो रही है यहाँ से, ताकि यहाँ पे भी ग्रास आ सके। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई। अभी मैं तुमको एंड में शेडर्स के साथ भी दिखाने वाला हूँ। तो देखो, सामने वाला एरिया जैसे हमारे मुर्गियों के लिए है, वैसे ये वाला एरिया हमारे शीप्स के लिए भी है। और इधर मैं और भी चीज़ें एक्स्ट्रा करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना कुछ पानी का जुगाड़ किया जाए, जिससे कि शीप्स को पानी की कोई भी कमी ना हो। एंड जो ये वाला एरिया होने वाला है भाई, ये वाला एरिया सोचा है मैंने पिक्स के लिए। एंड पिक्स के लिए इसलिए सोचा है क्योंकि भाई पिक्स जो है वो कुछ ऐसे ही मैदान में रहते हैं भाई, कीचड़ से मैदान में। एंड वहाँ के फार्म्स का लुक कुछ ऐसे ही होता है। एंड अब हमें गाइस जाना है पहाड़ों पे। एंड पहाड़ों पे क्यों जाना है वो मैं तुम्हें जस्ट अभी बताता हूँ। पहाड़ों पे हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ से काफ़ी सारी स्नो पाउडर लेके आएंगे। एंड साथ ही में हम वहाँ से कुछ भेड़ों को भी लेके आएंगे, एक साथ हमारे दो दो काम हो जाएंगे। ओके, हम लोग गाइस बिल्कुल रेडी हैं, सब कुछ हमने कर लिया है। फटाफट माउंटेन पे चलते हैं और वहाँ से काफी सारी स्नो पाउडर लेके आते हैं। एंड हो सकेगा तो मैं वहाँ पे जो बर्फ जमी रहती है ना, स्नो ब्लॉक्स ही बोलते हैं, स्नो बॉल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो भी लेके आऊंगा, क्योंकि वो भी डेकोरेशन में काफी काम आएगी। शायद से ना स्नो पाउडर यही चीज है। नहीं, ये नहीं है, मेरे को लगा स्नो पाउडर यही है। ओके, तो अगर मैं शवल से इस चीज़ को खोदता हूँ, ओके, हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को भाई। भाई ब्लॉक, अब मैं पहले याद क्यों नहीं आया, मैं इनको पहले कलेक्ट कर लेता तो कितने मज़े आते हैं। ठीक है, हम फटाफट से ना इन सारे स्नो ब्लॉक्स को कलेक्ट करते हैं। गाइस, हमको एक भेड़ मिल चुकी है फाइनली। अब इसको हम धीरे धीरे करके अपने साथ ले जाने वाले हैं अपने विलेज तक, ताकि हम इसको पाल सके। भाई ये गोट कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो कैसे मासूम बकरियां चलती हुई आ रही है मेरे जाल में। ओह भाई, हाँ तो जाल में मैं ही फंस गया। गाइस फाइनली हमारी बान की, मतलब हमारे फार्म की सबसे पहली जो भेड़ है वो आ चुकी है। और मैं काम करता हूँ, फटाफट से ना यहाँ पे लगा देता हूँ फेंस, जिससे कि ये लोग बाहर ना जा सके। एंड फिलहाल के लिए मैंने इन लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ भाई, काम करते हैं फटाफट इन भेड़ों के लिए भी एक मस्त सा प्लेस बनाते हैं और फिर इन लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो मैं बोल रहा था गाइस, जो भेड़ों के लिए एरिया थोड़ा सा नेचुरल लगना चाहिए, तो इसके लिए काम करने वाला हूँ कि मैं स्टोन्स का भी यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा सिमिलर लुक लगता है थोड़ा कुछ वैसा कर लेते हैं। गाइस शीप्स के लिए मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ बना दिया है जो कि नेचुरल भी लग रहा है। एंड मेरे को इसके ऊपर ने इतनी फैंस से लगानी पड़ी, क्योंकि ये शीप्स हैं, ये इसके ऊपर छलांग मार के यहाँ पे आ रही थी। देखो जैसे ये वाली शीप्स है, ये इधर आ चुकी है, तो अभी इसको यहीं पड़े रहने देते हैं। अब एक काम अब और करना है हमको, हमें फटाफट चिकन्स लेके आने हैं और हमको शीप लेके आनी है अपने फार्म के लिए। आज हम इन्हीं दो एनिमल्स को लेके आएंगे एंड बाकी एनिमल्स मैं या तो ऑफलाइन ले आऊँगा या फिर मैं तुम्हारे सामने नेक्स्ट एपिसोड में उनको लेके आ जाऊँगा। एंड शीप्स चिकन हमको मिलने वाले हैं इस डायरेक्शन में, इतना तो मेरे को पता ही है भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे ईजी है घोड़े को ले जाना, सबसे ईजी, घोड़े खच्चर जो भी होते हैं। सीधे एक सैडल लगाओ, चलाते हुए ले आओ उनको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इन काओ को देखो भाई, चारा दे देखे इनको, लालच दे के तब इनको बुलाना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, आ जा बॉय, आ जा कमॉन आओ ना भाई अंदर। एक काम करते हैं, लगे हाथों ना इनको ब्रीडिंग भी करा ही देते हैं, तो एटलीस्ट इनके एक बच्चा हो जाएगा। ओके, तो ये एक दूसरे को अकेला फील नहीं करेंगे। ओके, हमको अचीवमेंट मिल चुकी है, द पैरेट एंड द बैट। अच्छा, एक बार इसको ना अपने रिसोर्स पैक लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। ओ भाई, रिसोर्स पैक में तो ये कुछ ज्यादा ही स्मूथ नहीं लग रहा हो। भेड़ को देख, भेड़ को छोड़ो, इस पूरे एरिया को देखो, पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है ये भाई साहब। भाई कमेंट करके जरूर बताना प्लीज कि तुमको कैसा लगा ये। एक काम करते हैं, इसको ना फिल कर देते हैं, फिल करके ज्यादा अच्छी लगेंगी ये।
मैं कसम झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है अपना फार्म, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये और भी प्यारा लगने वाला है। इधर से देखो तो गाइस, थोड़ा बहुत ऑफलाइन काम करने के बाद मैंने जो अपने फार्म की एंट्री है वो बना ली है, एंड वो कुछ ऐसी दिख रही है। टाइम के साथ हम इसे और भी इम्प्रूव करते रहेंगे, क्योंकि अभी हम ऊपर का एक ब्रिज भी बनाने वाले हैं जो कि जस्ट इसके ऊपर से जाने वाला है। अब बस थोड़ा बहुत काम ये बचा है कि मेरे को यहाँ पे डीप स्लेट की स्लैब्स लगानी है कुछ इस तरीके से, एंड इस एंट्री के अंदर मैं मतलब जो डीप स्लेट की ये स्लैब्स लगा रहा हूँ मैं, इसमें कुछ मैं ज़्यादा वेरिएशन नहीं करने वाला। मेरे पास ना यहाँ पे कुछ स्टोन पड़े होने चाहिए। ओके, ये रहे स्टोन ब्रिक्स पड़े हुए हैं। हम लोग साइड में ना स्टोन ब्रिक्स की जगह पे हम लगाने वाले हैं वहाँ पे स्टोन स्लैब्स, क्योंकि एक तो इससे क्या होगा कि हमारे पत्थर ज़्यादा यूज हो पाएंगे कम में। ओके, तो ये बन के मेरे ये फटाफट चल के नीचे लगा देते हैं, एंड अभी हमको इस ऊपर वाले ब्रिज पे भी काम करने वाला है, एंड मैं ट्राई करूंगा कि इसको भी मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकूं। और धीरे धीरे हम लोग क्या करने वाले हैं, और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे लाएंगे, मतलब जो फार्म में लगते हैं। मेरे को अभी क्या बोलते हैं, मेरे को याद आया कि मेरे को लैंटर्न्स भी लगानी है, एंड लैंटर्न से याद आया कि मेरे को और भी टॉर्चेस बनानी है जिससे कि मैं और भी लैंटर्न बना सकूं, क्योंकि हमारे पास जो अभी लैंटर्न है वो अभी इतने इनफ नहीं है कि हमारे फार्म को रोशन कर सके। ओके, इसके अंदर कोल तो काफ़ी पड़ा हुआ है मेरे पास। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे विलेज ट्रेडिंग हॉल फार्म बनाने के लिए, जिसमें कि जो विलेजर होगा वो ऑटोमेटिक जॉम्बी से कट के जॉम्बी विलेजर बन जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर मेरे को नैदर के अंदर भी जाना पड़ेगा पोशंस के लिए, क्योंकि तुमको पता ही होगा कि विलेजर्स को ठीक करने के लिए मैं काफ़ी सारे पोशन की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, एक काम करते हैं कि क्या यहाँ पे लगेगा, नहीं। टॉर्चेस को लगाने के लिए मेरे कुछ फेंसेस गेट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मेरे पास यहीं कहीं मैंने अभी ओक वुड कहाँ रखा था। ओके, ये रहा ओक वुड। ठीक है, और मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, भाई यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पे टांग दो, एंड एक मैं टांग सकता हूँ यहाँ पर। इस जगह पे मैं कहाँ पे टांग सकता हूँ, अगर मैं इसको खोल के यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो टांग नहीं सकता मैं। काम करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने जो ब्रिज है उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्प्रूस लॉक मैंने ले लिए हैं, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बहुत ही अच्छा वाला काम करना है। हमको अपना लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से हमारी जो मेन चीज़ है वो आनी स्टार्ट हो रही है। और बीच का सेंटर पाथ रहेगा और ये साइड रहेगा डेकोरेशन के लिए। मैंने पहले से ही काफ़ी सारी ओक लीव्स या ओक क्या बोलते हैं सैपलिंग्स, ओक लीव्स एंड स्प्रूस लॉक्स, स्प्रूस लीव्स इकट्ठी करके रखी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आगे के बिल्ड्स में मेरे काफ़ी काम आने वाला है वो। तो भाई अगर तुम कोई बिल्ड कर रहे हो ना, तो उसकी तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दोगे तो काफ़ी सही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि देखो, ब्रिज में रखने वाला हूँ प्योर वुड का, प्योर वुड आई गेस सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो एक काम मैं और ये कर सकता हूँ कि जो साइड के एरिया हैं ना ये वाले, इनको मैं रैंडमली कहीं भी ऐसे कुछ लगा दूंगा, और उसके बाद हम अलग अलग चीज़ें टाइप की स्टोन यूज़ करेंगे जिससे कि लगे कि ये नेचुरल है, एंड मौसम की वजह से इनका कुछ उल्टा सीधा हाल हुआ है जिसकी बार बार ब्रिज से रिपेयर होते रहा है। अब बचते हैं स्टोन के पीसेस, तो जहाँ पे अब गैप खाली है वहाँ पे लगा दो स्टोन। बाय द वे, अगर तुम लोगों के पास कुछ ऑसम बिल्ड्स हो ना, तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं डेफिनेटली उन बिल्ड्स को देखना चाहूँगा, तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे वो उनके लिंक्स भेज सकते हो। ओके, ये काम हो गया, मेरे पास स्प्रूस के ये पड़े हुए हैं दोनों। एक काम करते हैं, इस ब्रिज को ना सेम ही रखते हैं, क्योंकि फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर हो जाएंगे, फिर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। ये इसको यहाँ यहाँ यहाँ। वेल गाइस, अब तुम लोग टाइम लैप्स इंजॉय करो, मैं तुमसे इस ब्रिज को कम्प्लीट होने के बाद मिलता हूँ। गाइस, तुम लोग देख सकते हो कि ब्रिज का ऊपर काम तो पूरा हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी करनी बाकी हैं। एक और काम कर सकते हैं कि अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग फेंसेस, ताकि कोई नीचे गिर ना सके। तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इस साइड क्या मेरे को वुड की फेंसेस लगानी चाहिए या फिर स्टोन की, मेरे को स्टोन वॉल लगानी चाहिए,
क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक लगेंगी, लेकिन जो मेरी ऑडियंस चाहती है मैं तो भाई भाई उसको पूरा कर दूंगा, मेरे को कोई उस चीज़ को करने में दिक्कत है नहीं। लेकिन या तुम लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। एंड बाकी स्टेयर्स कहाँ है मेरी यार, मैंने बना के तो रखी थी काफ़ी सारी। चलो कोई नहीं है तो हमारे पास है नहीं तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस बार मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसकी, और इसी के साथ मेरे ओक के जितने भी प्लैंक थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपन के पास बहुत ही जायंट ट्री है तो उससे काम चल जाएगा। और मेरे को भूख लग रही है, मेरी ब्रेड कहाँ है भाई? ओके तेरी, ओके फटाफट चलते हैं और यहाँ पे हम लोग वुड्स की ये लगा देते हैं कुछ ऐसे ऐसे, दिखने में काफी अच्छा लगेगा। अरे शिट, मैं गिर गया। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल फटाफट फटाफट इस चीज को पूरा करते हैं। मैंने सब पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि चीजों को काफी ना अच्छी तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूं, और क्योंकि मैं ये चीज पिछली बार मैंने गलती करी थी कि जो भी चीजें मैं बिल्ड कर रहा था उस उन चीजों में ना कुछ वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, मैं कैसे समझाऊं तुमको, मतलब बिल्ड कर रहा था लेकिन कुछ मेरे को शब्द नहीं मिल रहा हो कि उस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं तुमको। लेकिन या अगर तुम लोग चाहते हो मैं कुछ चीजें इसमें चेंजेस करूं तो या मैं वो चीजें करने के लिए तैयार हूँ। कि मैंने कहाँ लगाया था उसको, ओके यहाँ लगाया था मैंने, और ये चीज लगा दी यहाँ पे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे जो फालतू की फेंस थी मैंने कहाँ लगाई थी, उधर लगाई थी किधर लगाई थी, ओके ये लगाई थी, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तुम देख सकते हो कि मैं इधर की साइड अपनी लांटेन्स लगा सकता हूँ जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रही है। एक बार जब रात हो जाएगी ना तब देखेंगे कि यहाँ का व्यू कैसा लगता है रात में। ओके यहाँ पे ये जगह छूट गई थी तो इसको भी लगा देते हैं कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, और ये मैंने गलती से गलत लगा दिया तो इसको ठीक कर देता हूँ फटाफट से। मेरे पास आया नहीं, ये रहा आ गया, इसको भी लगा दिया यहाँ पे, एंड लैंटन थी वो लगा दी यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इधर की साइड भी, जिससे रात को हमारा जो ब्रिज है वो जगमगा उठे, कतई जहर बन जाए। ओके मैं इसको यहाँ पे क्यों नहीं लगा पा रहा, इसमें बस ना अभी भी एक चीज की कमी है और वो मेरे को भाई पता है, पता लग चुकी है कि उस मेरे को क्या चीज करनी है। सो गाइस इसी के साथ जो हमारा ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं जो कि मैं इसमें ऑफलाइन कर लूंगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें बची हुई हैं। थोड़ा यहाँ का मेरे को कवर करना बचा है एरिया, जो कि प्लैंक्स है मेरे को वापस, प्लैंक्स कह रहा सॉरी वो की स्टेयर्स है वो मेरे को लगानी है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास काफी सारी ना वो पड़ी हुई हैं ओक की लीव्स, तो मैं इसके ऊपर सजा सकता हूँ। मैं ऊपर चल के देखता हूँ कि एक बार चल के असर आए, और यहाँ पे मेरे पास खाना काफी सारा जमा हो गया, मेरे को एक और चेस्ट लगानी पड़ेगी उधर की साइड। ओके तो मैं ऊपर, भाई मैं गिर जाता हूँ, मैं पार्कोर भी तो कैसे करूंगा मैं। ठीक है तो ब्रिज है भाई, मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, तुम लोग मेरे कमेंट करके बताना कि जो हमारा ब्रिज है वो कैसा लग रहा है। बाकी गाइस मेरे को अपने सजेशन देता रहना कि मेरे को अपने बिल्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और कैसे कैसे चीजें बनानी चाहिए एंड क्या क्या चीजें बनानी चाहिए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय।